संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए वो पल आ ही गया जब उसे अमेरिका और रूस में से किसी एक का साथ देना था। यूक्रेन पर हमला करने के चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था। भारत ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए रूस के हमले की निंदा तो की, लेकिन वोटिंग से परहेज कर लिया, क्योंकि एक तरफ रणनीतिक साझेदारी वाला दोस्त अमेरिका है तो दूसरी तरफ सालों से पक्के दोस्त की भूमिका निभा रहा रूस। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने भारत की तरफ से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मतभेदों और विवादों से निपटने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। भारत ने कहा कि ये खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया है। बहरहाल वोटिंग से अनुपस्थित रहकर भारत ने रूस और अमेरिका दोनों को एक संदेश दिया है। यहाँ आपको एक बेहद ही दिलचस्प बात बताते हैं। 1962 के युद्ध के दौरान रूस का रुख न्यूट्रल था और अमेरिका ने चीन के खिलाफ भारत को हर मदद पहुंचाई थी, तो वहीं 1971 के युद्ध में अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया तो अमेरिकी बेड़े को रोकने के लिए रूस सामने आ गया था। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यूक्रेन मुद्दे पर कैसे भारतीय कूटनीति की परीक्षा होगी। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहकर भारत ने यह साफ कर दिया कि अब उसकी रणनीति इस पूरे संकट में क्या रहेगी। भारत न अमेरिका के साथ जाएगा और न ही रूस के साथ। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से 20-25 मिनट लंबी बात की और ये बताता है कि भारत का रुख रूस की तरफ थोड़ा झुका हुआ रहेगा। भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक मैत्री और सैनिक संबंध हैं। भारतीय सेना का 70-80% सामान, सैनिक साजो सामान, रूसी मूल का है, जो या तो रूस से आया है या रूस के लाइसेंस पर भारत ने बनाया गया है। MiG-21 सुपरसोनिक जेट्स भारतीय वायुसेना के पहले सुपरसोनिक थे, जो 40-50 साल बाद आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। भारतीय सेना के टैंकों के दस्ते की रीढ़ T-90 टैंक भारत में बन रहा है, जिसे रूस के साथ समझौते के बाद बनाया गया है। भारत और रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के लिए पहला बड़ा विदेशी ऑर्डर लेकर आई है। इस समय भारत में अमेठी के पास स्टैंडर्ड इश्यू राइफल, जो भारतीय सेना का मुख्य हथियार होगी, AK-203 राइफल, जो 6 से 6.5 लाख की तादाद में बनाई जाएगी, वो भी रूस के साथ सहयोग से बनाई जा रही है। इसके अलावा रूस ने हमेशा भारत के साथ खड़े रहकर अपनी मित्रता साबित की है। अमेरिका के साथ संबंध गहरे हो रहे हैं, लेकिन अभी उन संबंधों को परिपक्व होने में समय लगेगा। दूसरा, अमेरिकी कूटनीति और विदेश नीति का इतिहास ऐसा नहीं है कि उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके, और खास तौर पर भारत ऐसी गलती कभी नहीं करेगा कि वो आंख मूंद कर अमेरिकी खेमे में चला जाए। लेकिन सबसे बड़ा संकट यह है कि इस पूरे यूक्रेन क्राइसिस के दौरान चीन क्या हरकत करता है। क्या चीन ताइवान को कब्जा करने की कोशिश करेगा, या चीन उसी तरह से भारत के लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके कब्जाने की कोशिश करेगा, जैसा उसने 20 अक्टूबर 1962 को किया था, जब रूस और सोवियत संघ और अमेरिका क्यूबा क्राइसिस के दौरान आमने सामने थे। लेकिन भारत की कूटनीति की अग्नि परीक्षा अगले कुछ महीनों में होगी। दरअसल इस सरकार की जो सबसे बड़ी सफलताओं में से एक रही है, वो रूस और अमेरिका दोनों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना है। लेकिन उस समय भी भारत ने अमेरिका के सामने अपना रुख साफ किया था कि विदेशी और सैनिक संबंधों के मामले में वो अमेरिका के किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अमेरिका ने 2017 में रूस पर काटसा के तहत प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।